Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study the third topic of drugs used in the treatment of GI disease. And the name of our topic is laxatives or purgatives or cathartics. हम आज अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लैक्सेटिव्स पढ़ रहे हैं. लैक्सेटिव्स क्या होती हैं? लैक्सेटिव्स आर ड्रग्स दैट फैसिलिटेट इवैक्यूएशन ऑफ फॉर्म्ड स्टूल्स फ्रॉम द बॉवल. बॉवल से फॉर्म्ड स्टूल का बाहर निकालना, मतलब जो पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं उनको जो दवाइयाँ दी जा रही होती हैं वो लैक्सेटिव्स हैं. एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज़ इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट, यूजुअली लेस देन 3 stools पर वीक. एक वीक में 3 stools से भी कम स्टूल पास हो रहा होता है फ्रीक्वेंटली बॉवल मूवमेंट की वजह से, इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट की वजह से, तो उसको अपन कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. इसमें फूड मूव्स डाउन होता है, जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ आएगा तो कोलन जो है उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. वेस्ट प्रोडक्ट बनाते समय या स्टूल बनाते समय उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है इन द कॉलन, पुश द स्टूल टूवर्ड्स रेक्टम. उसके बाद वो वाटर एब्जॉर्ब करके उसको कॉलन से रेक्टम में पुश कर देता है स्टूल को. और जब ये स्टूल रेक्टम में पहुंचता है तब तक ये सॉल्ड हो चुका होता है, क्योंकि इसका मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है. तो कॉलन की मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन करती हैं स्लो और स्लगिश, कॉजिंग स्टूल मूव थ्रू अ कॉलन टू स्लोली. तो जिससे वो बहुत स्लोली कॉलन से मूव करेगा, और कॉलन से मूव स्लोली करेगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो पास नहीं हो पाता है. तो इस कंडीशन को अपन कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. क्या रीज़न होते हैं कॉन्स्टिपेशन के? डाइट की वजह से ऐसा हो जाता है. अगर आप फाइबर्स और लिक्विड्स ज़्यादा नहीं लेते डाइट में, एक्सरसाइज कम करते हैं, एज के साथ हो जाता है, बॉवल की हैबिट्स जिनके इरेगुलर रहती है, कुछ ड्रग्स की वजह से ऐसा हो सकता है, किसी डिजीज़ स्टेट या कंडीशन में ऐसा हो सकता है. सिग्मॉइड कोलन जो होती है, स्ट्रक्चर में दिखाई गई है, सिग्मॉइड कोलन में अगर स्पासम आ जाता है तब भी फीकस वहीं पर रुक जाता है, या मिजेंट्रिक प्लेक्सस, सॉरी मायंट्रिक प्लेक्सस के डिसफंक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है. तो ये आपको इस पिक्चर के अंदर भी ऐसा दिखाया गया है. अब कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं भाई? इनफ्रीक्वेंट डिफिकेशन, ऑब्वियस है इसमें डिफिकेशन हो नहीं पाता, इनफ्रीक्वेंटली होता है. नोजिया वॉमिटिंग रहने लगती है, भूख नहीं लगती ऐसे लोगों को, ऐसा लगता है थोड़ा सा कुछ खाते उनको लगता है पेट भर चुका है उनका. स्टूल बहुत कम हार्ड पास होता है और बहुत डिफ़िकल्टी से पेट जो है वो खाली होता है. रेक्टम से ब्लीडिंग होने लगती है और वेट लूज रहने लगता है अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाए तो. कॉन्स्टिपेशन को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? बिगनिंग विद एडवाइस ऑन लाइफस्टाइल. पहले तो आपको पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहना पड़ता है, भाई एक्सरसाइज करिए, हाइड्रेशन पूरा एडिक्वेट लीजिए, पानी पीते रहिए, लिक्विड डाइट लीजिए, डाइट को मॉडिफाई करिए, खूब सारे वेजिटेबल्स खानी हैं, फ्रूट्स खाने हैं, मिल्क और वाटर लेना है, ऐसा उन्हें कहना पड़ेगा. रेगुलर बॉवल एस्टैब्लिशिंग हैबिट होनी चाहिए, ईटिंग और एक्सरसाइज की हैबिट्स एकदम ढंग से रेगुलर होनी चाहिए. लाइफस्टाइल कहीं पर भी चेंज हो रहे हो, डाइट का मॉडिफिकेशन करना है. आर इनसफिशिएंट अ लैक्सेटिव मे बी कंसीडर. अगर आप डाइट का मॉडिफिकेशन ढंग से नहीं कर पा रहे, लाइफस्टाइल को सही चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लैक्सेटिव्स का यूज़ करना पड़ेगा. तो ये कंसीडर करने के लिए आप बोलिए. तो ये लैक्सेटिव्स आर द ड्रग्स दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल्स. पर्गेटिव्स भी एक टर्म है, कॉज इवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल. भाई फॉर्म्ड स्टूल को बॉवल से इवैक्यूएट कर रहा है वो लैक्सेटिव्स हैं, और वाटरी स्टूल इवैक्यूएट हो रहा है वो पर्गेटिव्स हैं. लैक्सेटिव्स और पर्गेटिव्स और कैथर्टिक्स, कैथर्टिक्स टर्म जो है इंटरचेंजेबली कई बार अपन इसको यूज़ कर रहे होते हैं. लैक्सेटिव या एपेरियंस ये क्या करता है? माइल्ड एक्शन दिखाती हैं सॉफ्ट स्टूल को एलिमिनेट करने के लिए, बट फॉर्म्ड स्टूल्स, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्टूल बट फॉर्म्ड स्टूल्स. सॉफ्ट स्टूल का एलिमिनेशन हो जाता है पर फॉर्म्ड स्टूल्स उसमें रह जाता है, उसके लिए जो दवाई जाती है वो लैक्सेटिव्स है. और पर्गेटिव्स या कैथार्टिक जो हैं वो स्ट्रॉन्गर एक्शन दिखा रही हैं, रिजल्टिंग इन मोर फ्लूड इवैक्यूएशन, जिससे कि फ्लूड इवैक्यूएशन ज़्यादा हो रहा होता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, लैक्सेटिव्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर ही, इसलिए यहाँ पर सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आया है.
जैसे कि बल्क लैक्सेटिव्स आते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, स्टिम्यूलेंट या इरिटेंट लैक्सेटिव्स आते हैं और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स आते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पहला हाइड्रोफिलिक या ऑस्मोटिक एक्शन दिखाया जाता है जिसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इंटेस्टाइन में ही रिटेन रहते हैं, इंटेस्टाइन की ल्यूमन में, जिससे कि कोलन कंटेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर उसको बाहर निकाल पाना आसान हो जाता है। तो इनको अपन हाइड्रोफिलिक या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स भी कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स कहलाते हैं। दूसरे हैं लैक्सेटिव में एक्टिंग ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? डिक्रीज नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के नेट एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट इज एनहांस्ड इनडायरेक्टली बाय द फूड बल्क, फूड बल्क के द्वारा इंटेस्टाइन जो है वो उनका ट्रांजिट इससे बढ़ जाता है। तो ये हैं इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के ऊपर एक्ट करने वाले। इसके अलावा जो कि प्रोपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिनका प्राइमरी एक्शन है प्रोपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ा देना। इसमें क्या है? अलाउिंग लेस टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एज अ सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट के रूप में ये सॉल्ट वाटर के एब्जॉर्प्शन में कम टाइम लेते हैं, उसका एक्शन थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं। इनका प्राइमरी एक्शन है प्रोपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ाना। अब लैक्सेटिव्स क्या करते हैं? मॉडिफाई द फ्लूड डायनामिक्स ऑफ द म्यूकोसल सेल, हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सेल के फ्लूड डायनामिक को ये मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे कि फ्लूड का एक्यूमुलेशन हमारे गट ल्यूमन में होता है एक या एक ज़्यादा मैकेनिज्म के द्वारा। कौन सी मैकेनिज्म है? कि सोडियम पोटेशियम ATPase को विलस, यानी जो विल्लाई है, विल्लस की सेल में इनहिबिट कर देता है। दूसरा मैकेनिज्म है ये एडिनाइल साइक्लेज को हमारी क्रिप्ट सेल के अंदर स्टिमुलेट करता है। तीसरा म्यूकोसा में PG के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को ये बढ़ा देता है। तीसरा स्ट्रक्चरल इंजरी टू द एब्जॉर्बिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स की स्ट्रक्चरल इंजरी से ये जुड़ी हुई मैकेनिज्म है। तो ये इनकी मैकेनिज्म। अब लैक्सेटिव का क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि बल्क लैक्सेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर जिसको अपन स्टूल वेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं, तीसरा स्टिम्यूलेंट या इरिटेंट लैक्सेटिव्स या पर्गेटिव्स, और चौथा ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स। बल्क फॉर्मिंग के अंदर डाइट्री फाइबर्स जैसे ब्रान हमें देना चाहिए, साइलियम जिसको अपन प्लांटेगो भी कहते हैं, इसब गोल और मिथाइल सेल्यूलोज आते हैं। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर में अपन डॉक्यूसेट्स DOSS डॉक्यूसेट्स दे सकते हैं और लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं। तीसरा स्टिम्युलेंट पर्गेटिव्स के अंदर डाइफिनाइल मिथेन्स दे सकते हैं, जिसमें फिनोफ्थैलिन आती हैं, बाइसाकोडाइल आते हैं, सोडियम पाइकोसल्फेट आती हैं। एंथ्राक्विनोन्स के अंदर एमोडन्स आती हैं, जैसे सेना, कैसकेरा, सेग्रेडा। 5-HT4 एगोनिस में टेगासेराइड आती हैं। फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल्स आते हैं। ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स में सलाइन लैक्सेटिव्स, लैक्टुलोज, सॉर्बिटॉल, PEG और मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह। PEG क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह इसमें आते हैं। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट वगैरह का नाम तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, ये इनडाइजेस्टेबल हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक बल्क बना लेते हैं। इमोलियंट जेल जो कि कोलन को डिस्टेंड करता है और पैरास्टाटिक मूवमेंट को प्रमोट करता है। कॉमन प्रिपरेशंस में ब्रान, इसबगोल, मिथाइल सेल्यूलोज या उससे जुड़े हुए कंपाउंड जैसे साइलियम या स्टर्क्यूलिया इसके अंदर आते हैं। बल्क लैक्सेटिव्स में क्या आता है? आर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन दोज विद स्मॉल हार्ड स्टूल्स। बल्क लैक्सेटिव्स का अपन यूज़ करते हैं जिनमें स्मॉल हार्ड स्टूल्स की शिकायत रहती है, उनमें अपन ये दे सकते हैं। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स क्या करते हैं? स्टूल की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं। रेगुलर यूज़ अपन इनका फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। एनश्योर गुड फ्लूड इनटेक, हमें ध्यान रखना है कि फीकल इम्पैक्शन नहीं हो जाए, उसके लिए फ्लूड इनटेक लेना है।
ऑनसेट ऑफ एक्शन 2-3 दिन में ही अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखा देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है, कई बार ब्लॉटिंग, फ्लैट्यूलेंस और डिस्टेंशन इससे हो सकता है पेट के अंदर, आफरा आना, पेट फूल जाना वगैरह। दूसरा है स्टूल सॉफ्टनर्स, जिसमें डॉक्यूसेट्स, डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, डॉस इसको कहा जाता है, ये एनायनिक डिटर्जेंट है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, नेट वाटर एक्यूमुलेशन, ल्यूमन में नेट वाटर का एक्यूमुलेशन कर देते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर इसका एक्शन होता है, 100 से 400 mg पर डे इसकी डोज दी जा सकती है। 1 से 3 दिन तक में ये अपना एक्शन दिखा देते हैं। लिक्विड पैराफिन, इसमें नेक्स्ट आता है लिक्विड पैराफिन, ये विस्कस लिक्विड मिक्सचर है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का, जो कि फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होता है, 2-3 दिन तक लिया जा सकता है, स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, ल्यूब्रिकेट कर देता है हार्ड स्काई बैली को, उसको कोट करके उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है। 15 से 30 ml पर डे लिया जा सकता है। ऑयल एस सच या एमल्सीफाइड फॉर्म में इसको ले सकते हैं, इस लिक्विड पैराफिन को। स्टूल सॉफ्टनर यूज़फुल है किसी को अगर एनल फिशर हुआ है हेमरॉइड की वजह से, हेमरॉइड पाइल्स को कहा जाता है, हेमरॉइड में कई बार कट सा जाता है एनल पार्ट जो है, तो उसमें अपन ये दे सकते हैं लिक्विड पैराफिन। कभी भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए अपन नहीं देते, इसमें एस्पायरेशन का डर रहता है, लिपिड निमोनिया का एस्पायरेशन वगैरह हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज़ से वाइटामिन, जो एडेक वाइटामिन है ADE के, क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, उनकी कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स, जिसको अपन कैथार्टिक्स भी कहते हैं, ये बॉवल मूवमेंट को इंड्यूस करता है बहुत सारे मैकेनिज्म्स के द्वारा, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली स्टिम्युलेट करता है, कॉलोनिक इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड सीक्रीशन को भी स्टिम्युलेट करता है। करंट यूज़ में स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स जो यूज़ हो रहे हैं वो है फिनोफ्थालिन, 60 से 130 mg ली जा सकती है, लैक्सिल 130 mg की टैबलेट आती है, बेड टाइम पे ये दी जा सकती है, चबा करके खाने की होती है, नहीं चबा करके नहीं खाना, सॉरी चबा करके इनको नहीं खाना है। दूसरी है बेसाकॉर्डिल, 5 से 15 mg दे सकते हैं अपन, सेना और कैस्टर ऑयल का यूज़ भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स, ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं कोलोनिक नर्व को स्टिम्युलेट करके, इनको ऑपियोइड के साथ में भी यूज़ किया जा सकता है, 8 से 12 घंटे में अपना एक्शन दिखा देते हैं, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है हालांकि, पर फिर भी ज़्यादा कॉमन नहीं है, सब में नहीं होता ऐसा, जनरली कंसीडर्ड की जाती है सेकेंड लाइन थेरेपी के रूप में एल्डर्स के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस का इससे डर रहता है। दूसरे एडवर्स इफेक्ट है क्रैम्पिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन लोगों को हो जाती है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, जो फोर्थ कैटेगरी थी, ये सॉल्युबल होते हैं पर नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स हैं, जिससे कि स्टूल की लिक्विडिटी बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन फीकल फ्लूड, फीकल फ्लूड बढ़ने से स्टूल की लिक्विडिटी बढ़ती है। सलाइन लैक्सेटिव्स जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, पुअरली एब्जॉर्ब्ड शुगर्स जैसे कि लैक्टुलोज और सॉर्बिटॉल और मैक्रोजेल्स PEG का यूज़ कर सकते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर्स या सॉल्ट्स भी यूज़ किया जा सकता है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका भी कॉमनली यूज़, ये ऑक्सीडेटिव लैक्सेटिव्स है पर इसको प्रोलॉन्ग पीरियड तक यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे पेशेंट में जिनमें रिनल इनसफिशेंसी रहती है, क्योंकि हाइपर मैग्नीसीमिया का रिस्क इनमें रहता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में फीकल वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, बॉवल डिस्टेंशन का डर रहता है, पैरिस्टासिस बढ़ जाता है, इवैक्यूएशन होता है, तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। ये ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 48 घंटे तक ही अपना असर जो है वो दिखा देता है। बैक्टीरिया को मेटाबोलाइज करता है, फ्लैट्यूलेंस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है लैक्टुलोज, ये सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड्स हैं फ्रक्टोज और लैक्टोज के, जो कि ना तो डाइजेस्ट होते हैं ना एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाटर को रिटेन करते हैं, बाद में कोलन में ब्रोकन डाउन होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव प्रोडक्ट्स में। 10 ग्राम BD इसकी अपन डोज दे सकते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ देनी है, खूब सारा पानी पिलाना है अपन को।
ये इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल इन 1 to 3 days, 1 से 3 दिन में सॉफ्ट स्टूल ये पास करवा देगा। फ्लैटुलेंस और फ्लैटस जो है वो कॉमन है। क्रैम्प्स, कुछ लोगों में क्रैम्प्स इसकी वजह से देखा जाता है। कुछ पेशेंट्स को नॉजिएटेड फील हो रहा होता है पिक्युलर स्वीट टेस्ट की वजह से। ऑनसेट ऑफ एक्शन 48 घंटे में अपना असर दिखाएगा, 15 से 30 ml 8 घंटे में अपन दे सकते हैं। इंडिकेशन हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी और डिस्टल अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका ध्यान रखना होता है भाई। यूजेस, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में हम ये दवाई दे सकते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स को दे सकते हैं। स्ट्रेनिंग स्टूल में हो रही हो तो वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे हर्निया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या आई सर्जरी किसी ने करवाई हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए। या पेरिनियल एफ्लिक्शंस जैसे पाइल्स, फिशर या एनल सर्जरी हुई हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ बॉवल फॉर सर्जरी, कोलोनोस्कोपी, एब्डोमिनल एक्सरे में भी इसका यूज़ अपन कर सकते हैं। किसी को सर्जरी करवानी हो तो उसको बॉवल को खाली करना हो, कोलोनोस्कोपी करवानी हो या एक्सरे, एब्डोमिन का एक्सरे लेना हो तो। कुछ एंटी हेलमेंटिक्स के रूप में भी अपन, एंटी हेलमेंटिक्स के बाद में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। फूड या ड्रग की पॉइजनिंग में भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी कॉज करवाता है, नुकसान कर रहा है इंटेस्टाइन पे। इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को रप्चर कर देता है, अगर अपेंडिक्स किसी की इन्फ्लेम्ड है तो सूजी हुई है तो उसमें रप्चर ही हो जाएगा सीधा। फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस कर देता है, स्पेशली हाइपोकैलीमिया ये कॉज कर देता है, पोटेशियम का डेफिशिएंसी। स्टीटोरिया फैट स्टूल में पास होने लग जाता है तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज हो जाता है। प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी देखने को मिल रही होती है, स्पास्टिक कोलाइटिस इसमें हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में पेशेंट जिनको अनडाइग्नोस्ड एब्डोमिनल पेन रहता है, कॉलिक या वॉमिटिंग रहती है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये ड्रग। ऑर्गेनिक या सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन रह रहा होता है, किसी स्ट्रक्चर नैरोइंग को कहते हैं भाई, सुन लीजिएगा आप, या बॉवल में ऑब्स्ट्रक्शन किसी के रहता हो, बॉवल में नैरोइंग हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता हो तो नहीं देनी चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ हो, हाइपर कैल्शियमिया हुआ हो, कुछ मैलिग्नेंसी या कुछ ड्रग्स के केसेस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। बस इसके साथ आपका ये लैक्सेटिव्स का टॉपिक भी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। लैक्सेटिव्स के टॉपिक के साथ में आपका ये जो चैप्टर है लगभग ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर पेप्टिक अल्सर, जीआई रिफ्लक्स डिजीज़ की फार्माकोथेरेपी हैं जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो। इसके बाद एंटा एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वो भी आप ऐसे खुद से देख लीजिएगा। एंटा एसिड्स वीक बेसिस होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम आ रही होती हैं ये दवाइयाँ। ये गैस्ट्रिक पीएच को रेज कर देते हैं, एसिड के प्रोडक्शन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। एंटा एसिड्स जो भी हम काम में ले रहे हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, वो इनसॉल्युबल होनी चाहिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होनी चाहिए, CO2 को लिबरेट ना करती हो, नॉन एब्जॉर्बेबल होनी चाहिए और हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब ना करती हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एंटा एसिड्स दो तरह की हो सकती है, नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक में अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं और सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट देते हैं। इसके बाद आप खुद से देख लीजिएगा, सिंपल है, ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आए हैं तो अपनी ये वाली यूनिट जो GIT की यूनिट है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।